और जयपुर की बात करेंगे, जहां पर छात्र संघ चुनाव को लेकर के 14 सितंबर को ऐतिहासिक रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली को लेकर आरएलपी के प्रदेश प्रवक्ता और जिला संयोजक राजपाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में इस महीने में होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर कांग्रेस सरकार ने नतीजे कांग्रेस के पक्ष में न आने के डर से निरस्त कर दिए हैं। चुनाव आदेश निरस्त के बाद बीजेपी ने भी चुप्पी साध रखी है। दोनों ही पार्टियां छात्र संघ चुनाव से घबराई हुई है, लेकिन पूरे प्रदेश का छात्र सरकार के छात्र संघ चुनाव निरस्त करने के बाद आक्रोशित है। जगह जगह युवा शक्ति सड़कों पर उतरी हुई है। राजस्थान के तमाम युवा सरकार के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बता दें कि आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में ऐतिहासिक रैली करेगी। राज्यपाल चौधरी ने गंगानगर के युवाओं से अधिक संख्या में जुटने की अपील की है। जैसे भाई ने बताया कि 14 सितंबर को अपने ज्यादा से ज्यादा सारे गुटों को छोड़ के सभी सभी भाइयों से यही निवेदन है कि सारे मतलब मतभेदों को छोड़ दे, कौन किसका किसी का नहीं है, सारे एक साथ चलते हैं। ये सारे अपने सब स्टूडेंटों का मामला है, कोई पार्टी का नहीं है, कोई गुटों का नहीं है। सबसे यही निवेदन है कि चले अपने जब भी आंदोलन होता है तो एक ही नारा लगाते हैं अपने, जब जब छात्र बोल रहा है राज सिंहासन डोला है। तो वो अब की बार वो मौका मिला है अपने उस राज सिंहासन को डोलाने के लिए। राज्य की कांग्रेस सरकार छात्र शक्ति को दबाना चाहती है, हम उनकी घोर निंदा करते हैं। आने वाले दिनों में हम दिखा देंगे, अगर छात्र हितों में अगर सरकार ने फैसला नहीं लिया तो आने वाले दिनों में इसका हर्जाना कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि छात्र राजनीति से ही स्टार्ट होते हैं छात्र नेता। जब कॉलेज के अंदर छात्र नेता स्टूडेंट की बात करता है, उस समय से वो स्टूडेंट की बात करते करते धरना प्रदर्शन करते करते आगे आगे की अग्रिम राजनीति पार्टी में जुड़ता है।